लखनऊ के गोमती नगर में, और आप मेरे पीछे भी सुन सकते हैं अगर आपको आवाज आ रही होगी, तो यहाँ पे लॉकडाउन को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर ये लोगों को सूचित किया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने घर में रहें और अपने समय समय पर हाथ वगैरह धोते रहें। साथ ही लखनऊ के DM ने भी ये आदेश जारी किया है कि जब तक अति आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले, राशन, दूध और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही लखनऊ में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कंट्रीसाइड न्यूज़ की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों को किसी भी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रहिए और जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलिए। मैं हूँ इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में, और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ही काफ़ी पुलिस अधिकारी हैं, जो कि इस समय आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है और प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल तक का पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ ही कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी पूरे देश में 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन हो चुका है, तो जो आम जनता जो यहाँ से आ जा रही है उसमें आप लॉकडाउन को किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या लोग यहाँ पे पालन कर रहे हैं उसका? पालन कर रहे हैं। क्या किसी तरीके की आपको मतलब उनको लोगों को समझाने किसी तरीके की मुश्किल या किसी तरीके की कोई तकलीफ ऐसी कुछ सामना करना पड़ रहा आपको? कोई तकलीफ नहीं सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से भी कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं आपको, उस तरीके के आपको क्या कुछ फॉलो कर रहे हैं आपको? सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं लोग आपकी बातों को किस तरीके समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं अभी देख रही थी कि पीछे भी कुछ लोग आ जा रहे हैं, तो लोगों को समझाने में आपको किस तरीके का सामना करना पड़ रहा है? बाहर के देहात के लोग रह रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, और यहाँ जनता जो है वो अपने अपने घर में लॉकडाउन बंद हुए हैं जी। तो आपने देखा कि जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो हैं जो बाहर से आ जा रहे हैं उनको थोड़ा सा समझाने में, जैसा कि आज है चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, देखा जाता है कि नवरात्रों में भक्तों की जो काफ़ी भीड़ मंदिरों के बाहर लगी रहती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है और सारे जो मंदिर हैं वो इस समय बंद हो चुके हैं। जो भक्तगण हैं वो अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही वो प्रधानमंत्री के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है वो पूरी तरीके से बंद है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अच्छा सर, मैंने अभी फैजाबाद और ये सीतापुर रोड पे भी देखा कि जो बहुत से लोग हैं वो पैदल ही जा रहे हैं,